तो इस वीडियो हम लोग लेके चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा टॉपिक है, जानो इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है आई इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक। और आयत पार्टिकल के लिए टॉर्क हो जाएगा एफ आई इंटू आर आई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल निकालना है तो समेशन इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वन टू एन एफ आई आर आई स्क्वायर, ठीक। और चेंज करते हैं इसको, एम आई ए आर आई स्क्वायर हो जाएगा। एफ आई इंटू आर आई होता है, एफ आई इंटू आर आई, एम ए होता है ना, तो एम ए इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हो गया। ये एक रिलेशन आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टॉर्क। ये एक रिलेशन आ गया। और अगला रिलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो उस रिलेशन को, ये तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एंगुलर एक्सेलरेशन था। अब सेकंड लेके चल रहे हैं, और ये है रिलेशन इन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। अगेन आई इक्वल्स टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक। और एल आई होता है पी आई इंटू आर आई, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉन एज एंगुलर मोमेंटम, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी। और अगर टोटल निकालना है तो समीशन लगा दो, पी इक्वल्स टू एम वी होता है, और आपको पता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, और इट इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, सो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। और एक रिलेशन आपको पता है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के साथ, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और वो था टाउ इक्वल्स टू डी एल ओवर डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज टॉर्क इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये टॉपिक लेके चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट जानो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मीन्स टाउ इक्वल्स टू जीरो, डी एल इक्वल्स टू जीरो या एल टू इक्वल्स टू एल वन, और
I1 omega 1 equals to I2 omega 2, or I omega remains constant at the law of conservation of angular momentum. Thousands example hai, thousands, so many examples of the law of conservation of angular momentum. कुछ एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, तो जानो कैसे इसी को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर एग्जांपल्स लेके चलते हैं हम लोग. अब जैसे कोई रोटेटिंग डिस्क है, एक डिस्क रोटेट हो रही है, ये डिस्क रोटेट हो रही है और एक बंदा इस तरह खड़ा हुआ है इसके ऊपर, इस तरह खड़ा हुआ है, ठीक, और डिस्क रोटेट हो रही है उसके ऊपर, वो भी रोटेट हो रहा होगा. अब बंदे ने क्या किया, हैंड्स एंड लेग्स को फोल्ड कर लिया, ऐसे कर दिया, क्या होगा, ये जो इसकी एंगुलर स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी. एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज, उसका रीजन है जानो उसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आर ये काउंट होगा और इसके लिए आर ये काउंट होगा. इट इज क्लियर, आर वन ग्रेटर देन आर टू, मतलब आई वन ग्रेटर देन आई टू. और आपको पता है कि आई ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, या I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा. दैट्स वाई ओमेगा टू ग्रेटर देन ओमेगा वन, क्योंकि आप अगर रिलेशन ये लगाते हो और चूंकि I1 I2 से बड़ा है, बराबर तभी होंगे जो ओमेगा टू ओमेगा वन से बड़ा हो जाए. क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल जानो. आप देखो स्विमिंग वाले केस में, देखो आप जब मारते तो यूं कर लेते हैं लेग, हैंड्स एंड लेग्स ऐसे ही यूं, जिससे कि ज़्यादा शॉट आए, इस तरह गिरते ना ओलंपिक में आप देखो, ऐसे करके कोई नहीं गिरता है, यूं गिरेंगे ऐसे, इस तरह कर लेते हैं, उसका रीजन यही. आपने देखा जब यूं कर लेते तो यूं घूमते हुए आते हैं, क्यों, क्योंकि जब ऐसे कर लिया तो आई कम कर लिया, अगर I रिड्यूस हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, यानी कि रोटेशन बढ़ जाएंगे, रोटेशन विल इंक्रीज, और इन्हीं के पॉइंट्स हुआ करते हैं. ऐसे आप देखें और एक एग्जांपल ले लो, जिमनास्टिक के मैक्सिमम गेम्स, जो भी उनके गेम्स जिमनास्टिक में होते हैं वो सारे सारे इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. आपने देखा होगा यूं चलते हुए आते हैं और एक पाइप पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जंप लेते हैं तो यूं करके जंप लेते हैं और पंजे के बल आते हैं, इसका रीजन यही है, क्योंकि वो आई कम कर लेते हैं, ओमेगा बढ़ाना होता है. और जानो अगर हमें ओमेगा कम कम ना हो तो आई बढ़ा दो, कैसे जानो, ये इस केस को भी जानो, इसके ऊपर भी एग्जांपल देखो. आपने देखे होंगे कि कुछ तमाशे वाले होते हैं जो गांव में तमाशा करने आते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह उन्होंने दो पोल लगा दिए इस तरह और एक रस्सी बांध दी और इस पर एक लड़की जड़ा देते हैं, ठीक है, एक लड़की जड़ा दी और उसे उसको ये रस्सी पार करनी होती है यहाँ से यहाँ तक. तुमने देखा होगा जब वो लड़की इस पर आती है उसके हाथ में एक रॉड होती है, वो यूं चल ऐसे करके चल रही होती है, यूं धीरे 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 ऐसे ऐसे चलेगी, क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, मैक्सिमम हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई यार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया तो ओमेगा कम हो जाएगा तो घूमेगी नहीं. और फिर आपने देखा होगा वो जहां बच्चे बच्चे सब खड़े होते हैं उधर नहीं देख रही होती उसका, वो अपने आई को फोकस कर लेती हूँ,
बच्चों को देख के नहीं गिरेगी, बच्चे तो गिरवा देंगे उसको, हो कर कर आके, या गिरी 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 गिर जाएगी बेचारी। तो दूसरा तुम्हें देखा होगा ड्रम बजता रहता है, एक टक 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 टक, और एक निश्चित बीट से बजता है। ये नहीं है कि धड़ाधड़ बज रहा है फिर रुक गया, ऐसे नहीं, वो एक बीट टक 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 टक, क्यों? वो अपने माइंड को उस बीट के साथ कंसंट्रेट कर देती है। जो कोई क्या बोल रहा है उसे मतलब ही नहीं सुनाई पड़ता, उसको बस ड्रम बीट सुनाई पड़ रही होगी, और वो कंसंट्रेट हो जाती है और वो निकल जाती है। तो निकलने का रीजन सिर्फ यही है कि उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया। तुम खुद देखो, अगर आप खेतों पे जाते हो, ठीक है, और पगडंडी बहुत पतली है, जस्ट योर स्टेप्स ओनली, उसमें पैर ही आ सके केवल, और इधर पानी यानी भरा हुआ है, जैसे ये स्टेप, फिर पानी भरा हुआ है, फिर एक इधर स्टेप, आपको इस पे चलना है। तुमने देखा होगा चलते हुए जेब में हाथ डाल के नहीं चलते, ऐसे करके चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके चलोगे गिर पड़ोगे, ठीक है। और एग्जांपल जानो, एक और एग्जांपल देखो इसका, आपके पास टू एग्स हैं, अंडे, एक हाफ बॉइल्ड है, एक रॉ एग है, बिना तोड़े फोड़े खाए कैसे जान पाओगे कि ये कौन सा हाफ बॉइल्ड है और कौन सा रॉ एग है? तो उसके लिए एक तरीका है, आप उसको स्पिन कराओ, एक टेबल पे स्पिन करा दो, जो देर तक घूमता रहे वो हाफ बॉइल्ड है, जो जल्दी रुक जाए वो रॉ एग है। करके देख सकते हो आप घर पे, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो हाफ बॉइल्ड होगा उसके अंदर जो फ्लूड होता है वो श्रिंक कर जाता है, तो आर कम हो जाता है, यहां वो उसकी दीवारों से टकराएगा जो फ्लूड होगा उसका, तो आर मैक्सिमम होता है, यानी यहां आई वन है, ये आई टू है, तो आई वन आई टू से बड़ा होता है, इसलिए डब्ल्यू वन लेस देन डब्ल्यू टू। तो ये देर तक रोटेट करता रहेगा, ये देर तक रोटेट करता रहेगा, दैट द रीजन। इज इट क्लियर? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे गेम्स में, तो अब देखा होगा तुमने जिमनास्टिक के, तो सारे सारे मैक्सिमम केसेस इसी पे बेस्ड हुआ करते हैं, एक पतली उसमें चलाया करते हैं, तब यूं करके चलेंगे। इवन कि जो एक वैली डांस हुआ करता है, वैली डांस, उसमें अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करना हो तो यूं कर लेते हैं ऐसे, वहीं घूमना स्टार्ट हो जाता है। जो उनको राउंड लेना होता तो यूं कर लेते हैं ऐसे, बढ़ा दिया, चलते चले जाते हैं ऐसे, और जब अपने एक्सिस भी रोटेट करना हो तो यूं कर लेंगे, आई कम कर लेते हैं, वैली डांस करके है ये, ठीक है। ये गेम्स में भी आता है, ओलंपिक में भी है ये वैली डांस। इज इट क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखो, अ स्टार ऑफ मास इक्वल टू टू सोलर मासेस, अ रेडियस 10^6 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10^-6 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट्स कोलैप्स टू अ रेडियस ऑफ 10^4 km? देखो क्या क्या गिवन है, अ स्टार ऑफ मास इक्वल टू टू सोलर मासेस एंड रेडियस 10^6 km। आर वन दी हुई है किलोमीटर, और रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10^-6 रेडियन पर सेकेंड। वट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार इफ इट श्रिंक्स टू
or collapse to a radius 10 to the power 4 kilometer. मास तो वही रहेगा, टू सोलर मास मतलब सन के ट्वाइस. तो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है. और हमें ओमेगा टू कैलकुलेट करना है. अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता, चलो आगे मिलेगा आपको. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फीयर होता है 2/5 mr² होता है, 2/5 mr². आर वन स्क्वायर ओमेगा वन इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर ओमेगा टू, ठीक. आर वन 10^6 है, ओमेगा वन 10^-6 है, आर टू 10^4 है, और ओमेगा टू कैलकुलेट करना है. टेन और माइनस टू रेडियन पर सेकेंड ओमेगा टू होगा, क्लियर. और देखो एक न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल लेके चलना है हम लोग इसी के ऊपर, और जाने इसका स्टेटमेंट क्या है. What will be the duration of the day if the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume, mass remaining unchanged? Okay, दोबारा सुन लो. What will be the duration of the day of the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume, mass remaining unchanged? देखो उसको, क्योंकि मास सेम है, तो m1 rho equals to, sorry, v1 rho equals to v2 rho rho, density सेम रहेगी. तो 4/3 pi आर वन क्यू इक्वल्स टू 4/3 pi आर टू क्यू, 4/3 चलो हट ही जाएगा ये, आर वन क्यू इक्वल्स टू, नहीं एक वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1/64th साइज लिखा हुआ है, 1/64th. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64th of initial volume, यानी v2 equals to 1/64th of v1, ये दिया हुआ है. तो 4/3 pi r2 cube equals to 4/3 pi r1 cube, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा r1 और r2 का. तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा इनटू 1/64, तो R2 मिलेगा R1/4. R2 क्या मिला? R1/4. और आपको पता है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. I1 2/5 m आर वन स्क्वायर ओमेगा वन मीन्स 2π/T, टू बाई फाइव एम आर टू स्क्वायर 2π/T2, आर वन स्क्वायर अपॉन टी वन इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आर वन स्क्वायर बाई
16 T2 हो गया, ठीक है, और T2 goes to T1 by 16. T1 हमें पता है 24 आवर्स होता है, वन पॉइंट फाइव आर ये ड्यूरेशन ऑफ द डे हो जाएगी. अगर अर्थ अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 64 श्रिंक कर गया, जो 24 आवर्स का एक डे होता है, तो वो डे कितना हो जाएगा, 1.5 आर का केवल. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल थे. क्लियर? और अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है.